हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में। टॉप आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। जेईई मेन का तो रिजल्ट आपका अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है, लेकिन जो आपका एनआईआरएफ की रैंकिंग है उसको रिलीज़ कर दिया गया है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनके द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने थर्सडे को एनआईआरएफ की रैंकिंग रिलीज़ की, और जो आपके बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी इंडिया में रैंकिंग क्या है उसके बारे में बात करेंगे। आईआईटी मद्रास आपका टॉप पे है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग, टॉप इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस हैं उसके रैंक बताने वाला हूँ। आईआईटी मद्रास ने अपना टॉप पे जो पोजीशन है वो मेंटेन करके रखा है। एनआईआरएफ की बात करें तो ये आपका है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर साल इसको रैंक दिया जाता है। देख सकते हो यहाँ पे 29 सितंबर 2015 को इसको फ्रेम में लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव किया गया था, और जो फर्स्ट एनआईआरएफ रैंकिंग है ये 2016 में दी गई थी। इस तरह से देख सकते हो, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चलेंगे और देखेंगे वहाँ पे। अभी जो हमारे करेंटली जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उन्होंने थर्सडे को, गुरुवार को, ये जो आपका रैंकिंग है ये आपका रिलीज़ किया। एनआईआरएफ रैंकिंग ये हर साल रिलीज़ किया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क हर साल रिलीज़ किया जाता है। और बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की कैटेगरी हम लोग चेक करने वाले हैं, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की कैटेगरी जो आपके इंडिया में जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके बारे में बताने वाला हूँ आप सभी को। IISc जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो अपने फर्स्ट पोजीशन पे कायम है, जो कि बैंगलोर में है, रैंक वन है इनका। और जो और अदर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके भी रैंक इम्प्रूव हुए हैं, और जो कॉलेज कैटेगरी, इंजीनियरिंग कॉलेज कैटेगरी के हिसाब से रैंक है उसके बारे में आप सभी को अपडेट देने वाला हूँ, वीडियो में बने रहना। एनआरएफ रैंकिंग की बात करें तो टॉप 10 जो आईआईटीज है जो अभी रैंकिंग रिलीज़ की गई है उसके हिसाब से आईआईटी मद्रास आपका टॉप पे है, आईआईटी दिल्ली सेकेंड नंबर पे, आईआईटी मुंबई आपका थर्ड पे, आईआईटी कानपुर फोर्थ पे, आईआईटी खड़गपुर आपका फिफ्थ पे, आईआईटी रुड़की आपका सिक्स्थ पे, आईआईटी गुवाहाटी सेवन्थ पे, आईआईटी हैदराबाद एट पे, आईआईटी आईएसएम कह लो धनबाद ये आपका 11th पे, और 14th पे आपका आईआईटी बीएचयू है। देन उसके बाद बात करें टॉप 10 एनआईटीज के बारे में, तो टॉप 10 एनआईटीज में आपका रैंक नंबर 9 पे है आपका एनआईटी त्रिचीपल्ली, रैंक 10 पे एनआईटी कर्नाटका, रैंक 20 पे आपका एनआईटी राउरकेला, रैंक 23 पे एनआईटी वारंगल, रैंक 25 पे एनआईटी कालीकट, रैंक 29 पे एनआईटी दुर्गापुर, रैंक 44 पे एनआईटी कुरुक्षेत्र, रैंक 48 पे एनआईटी सिलचर, रैंक 59 पे एनआईटी मेघालय, और रैंक 64 पे एनआईटी रायपुर। और भी एनआईटीज हैं। अब ये जो एनआईआरएफ की रैंकिंग है ये किस किस पैरामीटर्स पे रैंकिंग देती है, तो प्लेसमेंट्स हो गया, फैकल्टी हो गया, कैंपस हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है, उसके हिसाब से आपके रैंकिंग फ्रेमवर्क दिए जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें IIIT हैदराबाद की, तो IIIT हैदराबाद को आपको 54 रैंक दिया गया है, और IIIT बैंगलोर की बात करें तो आपको 76 पोजीशन दिया गया है। इसके अलावा VIT वेल्लोर, देन आपका ICT इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, अमृता विश्वा विद्यापीठ, जादवपुर यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी को भी टॉप 10 इंजीनियरिंग स्कूल्स के अंदर रखा गया है एनआरएफ के रैंकिंग 2021 में। अब एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं और जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो किस रैंक पे है, तो ये देख सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया रैंकिंग 2021। तो यहाँ पे जो आपका आईआईटी मद्रास है वो रैंक नंबर 1 पे है। इसके अलावा मैंने आपको एनआईटी त्रिचीपल्ली के बारे में बताया, फिर आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल एंड माइंड ये 11 नंबर पे है, और इसके बाद आपका आईआईटी इंदौर 13 नंबर पे, ICT के बारे में मैंने बताया आपको 15 नंबर पे, अमृता विश्वपीठ 16 नंबर पे, जादवपुर यूनिवर्सिटी 17 नंबर पे, अन्ना यूनिवर्सिटी 18 नंबर पे, और IIT रुड़की 19 नंबर पे। इसके अलावा जो आपका IIT गांधीनगर है ये 22 और IIT पटना 21 नंबर पे है। देन उसके बाद बिट्स पिलानी जो है आपका वो है आपका 26 नंबर पे, जो कि राजस्थान में है। देन उसके बाद IIST शिवपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये 27 नंबर पे। विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है, वो 30 नंबर पे। MIT यूनिवर्सिटी आपका 31 नंबर पे। शिक्षा और अनुसंधान जो आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में है, वो 32 नंबर पे। जामिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में जो है वो दिल्ली 33 नंबर पे। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 34 नंबर पे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में 35 नंबर पे। DTU आपका जो है ये है आपका 36 नंबर पे। देन उसके अलावा कलिंगा
इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ये 39 नंबर पे। इसके अलावा और बात करें तो आपका ये जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये आपका 46 रैंक पे है आपका। देन अब बात करें मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो ये आपका 51 नंबर पे। PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी 53 नंबर पे। देन उसके बाद IIIT हैदराबाद 54 नंबर पे। देन मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका 60 नंबर पे। और जो आपका जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आपका 62 नंबर पे, हैदराबाद तेलंगाना में है। उसके बाद IIIT दिल्ली इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 63 नंबर पे। और NIT रायपुर 65 नंबर पे है आपका, MS रमैया 65 पे MS रमैया, और NIT रायपुर 64 नंबर पे, LPU आपका 66। देन उसके अलावा और बात करें तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो है आपका, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, 70 नंबर पे रैंक है इनका। NIT पटना 72 नंबर पे, और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून में जो है वो 75 नंबर पे। देन उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है आपका, वो 79 नंबर पे, कटरा जम्मू एंड कश्मीर में है। देन उसके अलावा PES यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटका में 83 नंबर पे है। मणिपाल यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है, वो आपका 84 नंबर पे है। NSUT जो मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था, NSUT, ये आपका 88 नंबर पे है। NIRF के रैंकिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी 89 पे है। देन उसके बाद आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला है, ये आपका 92 नंबर पे। वेलटेक आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो है आपका 93 नंबर पे। देन उसके अलावा नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी 97 नंबर पे। BMS बेंगलोर कर्नाटका में है जो, वो 98 नंबर पे। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर 99 नंबर पे। तो ये आपके टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए जो कि टॉप के रैंकिंग है। आप यहाँ पे और भी पैरामीटर्स है, PDF है, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो ये पूरा ओवरऑल रैंकिंग था। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @PallavasoFilms। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।